हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग हो चुकी है। आज गुड मॉर्निंग हुई है मेरी कुलवेजी में। और एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो पिछली बार जब मैं कुलवेजी आया था तो हम लोग दूसरे रूम पर थे और वहाँ से रूम हो गया चेंज। अभी हम गैराज में ही है। गैराज में बैक साइड में बॉस ने ये नया रूम वगैरह बनाया है ऑपरेटर लोगों के लिए। तो ऑपरेटर लोग यहाँ पर रहते हैं, यहीं पर सोते हैं और बाहर किचन वगैरह है, टॉयलेट बाथरूम सब कुछ बना दिया है। तो अभी क्या है, यहाँ से सिटी अप डाउन वगैरह बंद हो गया है। तो आप जब भी काम करके आओ, गैराज में पार्क करो, गैराज में बैक साइड में बना दिया कमरे और वहीं पर आप रेस्ट करो, सो खाना पीना खाओ। तो आज का क्या काम है कि मैं जो कल मोटर लेके आया था, इंजन लेके आया था लुबुम्बासी से, वो जाना है मुझे मेटल कोल कंपनी में अनलोड करने के लिए। अनलोड वो कंपनी यहाँ से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर है। तो हम यहाँ से निकलेंगे लगभग लगभग 8 बजे तक, क्योंकि कंपनी का जो भी प्रोसेस वगैरह है एंट्री वगैरह का, गेट का, वो 9 बजे के बाद में होता है। तो तब तक हम पहुँच जाएंगे। तो चलिए चलते हैं और इंजन अनलोड करते हैं, उसके बाद में निकलते हैं लुबुम्बासी। तो हमेशा की तरह हम ब्लॉक की शुरुआत करते हैं महाकाल का नाम बकर कर। तो बोलिए जय श्री महाकाल। नाश्ता वास्ता करके आ गए हैं गैराज में और अब यहाँ से निकलते हैं मेटल कोल की तरफ। ये सब हमारी कंपनी की गाड़ियां हैं। ये मैं लेके आया था। तो निकलते हैं मेटल कोल अनलोड करते हैं, फिर निकलते हैं लुबुम्बासी। फ्रेंड, जिस लोकेशन में हूँ वहाँ से जो कंपनी है, ये देख सकते होंगे आप मैप के अंदर में, मेरे को 25 किलोमीटर, मैं जो आइडिया लगाया था लगभग उतना ही है, 25 से 30 किलोमीटर मैंने बोला था। तो मेरे को टाउन के बीच में से निकल के जाना पड़ेगा और 25 किलोमीटर है। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुँचते हैं मेटल कोल। फ्रेंड्स, मैं गैराज से निकल चुका हूँ, अब कुलवेजी टाउन के बीचों बीच टाउन को चीरते हुए निकलेंगे मेटल कोल, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता है भी तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, छोटी छोटी गलियों वगैरह से है, मेन रोड जो है यही है। तो चलते हैं मेटल कोल। ट्रैफिक है भाई। फ्रेंड्स, हम अभी मेन टाउन में घूम रहे हैं और यहाँ की रोडें देखो आप, इतनी खराब हो रखी हैं। टाउन के बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में हैं, सेंटर की रोडें ये हैं। तो फ्रेंड्स, इतना रोड खराब है कि क्या बताऊँ मैं। अभी टाउन से थोड़ा सा हम आउटसाइड में आ गए हैं, अब यहाँ से धीरे धीरे विलेज की तरफ हम बढ़ेंगे और फिर आएगी, जैसे ही मेन टाउन ख़त्म होगा कुछ विलेजेस आएंगे 4-5 और फिर आएगी मेटल कोल कंपनी। फ्रेंड्स, आगे लगा हुआ है जाम, आके फंसा। मैंने हेल्पर को भेजा आगे चेक करके आओ कि जाम लगा हुआ है या खाली ऐसे ट्रक खड़े हुए हैं, क्योंकि ट्रक तो लाइन बहुत लंबी लग रही है। तो मैंने बोला उसको, क्या है वो चेक करने के लिए, सामने वो खड़ा है, वहाँ पर वो खड़ा है चेक कर रहा है। फ्रेंड्स, पीछे लगा था जाम तो पुलिस वालों ने रूट डाइवर्ट किया है, पता नहीं कौन कौन से गांव में से भेज रहे हैं हम लोगों को। बाकी ट्रक वगैरह तो जा रहे हैं, दिक्कत क्या आती है, ये लोग बाहर के आदमी देखते हैं ना तो फिर बिल्कुल दौड़ पड़ते हैं पैसे के लिए, चिल्लाने लगते हैं, हल्ला करने लगते हैं कि किसी भी तरीके से आप पैसे दे के जाओ इनको। तो बाकी अगर हम लोकल के होते तो कोई दिक्कत नहीं होती, कहीं से भी जाओ, कहीं से भी जाओ, किसी भी रास्ते से जाओ। बट हम लोग मेन रोड छोड़ के जल्दी छोटे रोड में उतरते नहीं हैं, क्योंकि ये लोग परेशान करते हैं फिर बाद में बहुत ज़्यादा। देख रहे हैं आप कहाँ से गाँव वगैरह में से ले के जाना पड़ रहा है हम लोगों को। उधर रोड पूरा ब्लॉक हो रखा है, एक्सीडेंट हुआ है शायद, इस वजह से हम लोग शॉर्टकट निकल रहे हैं। और शॉर्टकट भी ऐसा है कि पूरा गांव में से निकल के जाना पड़ रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। ये है इधर की विलेज लाइफ। कंगोली दिए हम निकल रहे हैं गांव की रोडों की वजह से, बीच से पीछे ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा है।
आई थिंक सामने हाईवे है और हाईवे से फिर निकल जाएंगे कंपनी मेटल को। फाइनली जाम से निकल के आ गया हूँ मेन रोड पे और ये सामने देख रहे होंगे विलेज और लगभग यहाँ से 6 किलोमीटर और मेरे को जाना है। सामने है KCC कंपनी, 6 किलोमीटर और जाना है मेटल कोल मेरे को, पहुँच जाऊँगा मैं। फ्रेंड फाइनली मैं गेट पे आ गया हूँ कंपनी के, सामने आपको कंपनी दिख रही होगी मेटल कोल, बहुत बड़ी कंपनी है। इधर माइनिंग का जो एरिया है कम से कम 70-80 किलोमीटर है, तो सामने गेट आ गया है। फाइनली हमने इंजन उतार दिया है और पेपर पे लेते हैं साइन वगैरह और चलते निकलते हैं गैराज। फाइनली अनलोड करके मटेरियल और यहाँ से मैं निकल रहा हूँ वापस, अभी जाऊँगा अपने कुलवेजी गैराज में और उसके बाद निकलेंगे वहाँ से लुम्बासी की तरफ। अभी आया कंपनी से, मैंने रिपोर्ट कर दिया कि इधर काम ख़त्म हो गया, तो कंपनी से आया फ़ोन वापस कि आपको गैराज जाओ, गैराज से पेपर लो, पेपर लेके आपको जाना है कि सांपू, कि सांपू से कुछ मटेरियल लेना है और लेके फिर आना है वापस। ये है यहाँ का मेन चौराहा, अभी मेरे को मिला है पेपर, ये मैंने रख लिया इधर और टाइम हो गया है शाम के 4:30 बज रहे हैं। अभी मैं यहाँ से निकल गया हूँ कुलवेजी से किसामपुर के लिए, वहाँ से मेरे को करना है इंजन लोड, किसी डोजर वोजर किसी चीज़ का इंजन लोड करके वापस लेके जाना है लुम्बासी। तो आज तो पॉसिबल नहीं होगा रिटर्न होना, क्योंकि लोडिंग करते ही मेरे को अंधेरा हो जाएगा, तो मैं निकलूँगा कल सुबह। तो चलते हैं आज लोडिंग वोडिंग करके कम्प्लीट करके करते हैं रेस्ट और कल सुबह निकलेंगे फिर लुम्बासी। पहले हम कोर लेके तो फ्रेंड्स मेरे साथ में कुछ लफड़ा हुआ था और क्या लफड़ा हुआ था ये आपको पता चलेगा Part 2 में। तो कुछ जो प्रॉब्लम हुई थी उसको देखने के लिए आप मेरा Part 2 चैनल ब्लॉग ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें मेरे को।